वेलकम बैक टू नेत्सा। इंडिया को लैंड ऑफ वैरायटी यूं ही नहीं कहा जाता। यहाँ इतनी तरह की डेलिकेसीज, फेस्टिवल्स और रीति रिवाज हैं कि किसी भी नए प्रदेश में जाकर आप एक नया वातावरण पाएंगे। इसी तरह की वैरायटी भारतीयों के अटायर और पहनावे में झलकती है। क्या आप जानते हैं कि इंडिया के हर स्टेट का अपना एक फैब्रिक है जिसके लिए वह मशहूर है, और इस वीडियो में हम आपसे यही डिस्कस करेंगे। हम आपको बताएंगे हर स्टेट की इंडिजिनियस फैब्रिक के पीछे की कहानी और जानेंगे कि वह क्यों इतना आधुनिक है। शुरुआत करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के फेमस पश्मीना से। लद्दाख में मिलने वाली एक स्पेशल कोट के शेडेड हेयर से बना यह फैब्रिक कश्मीर की शान बन चुका है। यहाँ तक कि वेस्टर्न कंट्रीज में इसका नाम कश्मीर, इस फैब्रिक का सोर्स यानी ओरिजिन कश्मीर का नाम पर रखा गया है। हिमाचल प्रदेश की कुलू शॉल्स है नेक्स्ट ऑन आर मैप। प्योर वूल से बनी यह शॉल्स अपने ट्रेडिशनल पैटर्न्स, एलिगेंस और रीजनेबल प्राइस के लिए जानी जाती हैं। चलते हैं पंजाब की ब्यूटीफुल आर्ट फुलकारी पे। इस एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक में फूलों की डिजाइन्स होती हैं, इसलिए इसे गुलकारी भी कहा जाता है। यह फैब्रिक काफी डेलिकेट होता है और इसमें काफी कलर्स के धागे यूज होते हैं। आइए चलें उत्तराखंड की स्पेशल गारमेंट पंचाचौली की ओर। यह फैब्रिक हिमालय की पंचाचौली पर्वत श्रृंखला की महिलाओं के द्वारा पूरी तरह हाथ से बनाया जाता है। ट्वीट की तरह दिखने वाला यह फैब्रिक वूल और कश्मीर के मेल से बनता है। हरियाणा की पांजा डूरीज है नेक्स्ट। पंजा दरअसल एक टूल है जिसकी मदद से डूरीज नाम के रग्स बनाए जाते हैं। यह ट्रेडिशनल फ्लोर कवरिंग एक भव्य हैंडलूम हेरिटेज को दर्शाती है। संगनेरी ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए मशहूर राजस्थान है नेक्स्ट ऑन आवर मैप। इस 500 साल पुराने व्यवसाय ने यूरोप को ब्लॉक प्रिंटिंग से इंट्रोड्यूस करवाया था, और इतने समय बाद आज भी राजस्थान के संगनेर की ब्लॉक प्रिंटिंग बेडशीट्स, स्कार्फ्स, स्कर्ट्स और सलवार कमीज पर देखी जा सकती है। चलते हैं उत्तर प्रदेश के ब्यूटीफुल फैब्रिक चिकनकारी की ओर। मुगल राजा जहांगीर की पत्नी नूर जहां चिकनकारी की काफी शौकीन थी। चिकनकारी एक नीडल वर्क है जो आजकल इंडियन डिजाइनर्स के बीच काफी पॉपुलर हो चुका है। बिहार में जन्मा भागलपुरी सिल्क है हमारा नेक्स्ट फैब्रिक। इसे क्वीन ऑफ फैब्रिक्स कहा जाता है। यह अपनी मजबूती और क्वालिटी के लिए जाना जाता है, और इसे बनाने के लिए एक आधुनिक डाइंग टेक्निक का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण यह बिहार के स्पेशल फैब्रिक का पद हासिल कर चुका है। चलिए चलें मध्य प्रदेश के उत्पाद चंदेरी फैब्रिक की ओर। चंदेरी सिल्क और कॉटन से बनता है और इसमें खूबसूरत जरी वर्क होता है। इसे रॉयल्टी का फैब्रिक भी कहा जाता है, जिसके कारण यह काफी लोकप्रिय है। मध्य प्रदेश का ही महेश्वरी फैब्रिक अपनी पॉपुलैरिटी में चंदेरी फैब्रिक से कम नहीं है। चलते हैं गुजरात स्टेट की शानदार फैब्रिक बांधनी की ओर। इसे बंदेज भी कहा जाता है। इस टाई एंड डाई टेक्निक में क्लॉथ को फिंगर टिप्स से खींचकर बांध बनाए जाते हैं, जिससे इसे इसका यूनिक टेक्सचर मिलता है। बांधनी लोकल्स और टूरिस्ट दोनों के बीच काफी पसंद किया जाता है। महाराष्ट्र के रॉयल्स के बीच फेमस पैठनी साड़ीज है हमारे नेक्स्ट फैब्रिक। औरंगाबाद के पैठान क्षेत्र से आई यह साड़ी अपनी एक्सक्विजिट डिजाइन के लिए मशहूर है, जिसकी खासियत है कि साड़ीज की दोनों साइड्स के डिजाइन एक जैसे होते हैं। आजकल मार्केट में मशीन से बनाई गई पैठनी साड़ीज भी मिल जाती हैं, जो कि काफी अफोर्डेबल अल्टरनेटिव है, लेकिन ओरिजिनल पैठनी साड़ीज का कोई मुकाबला ही नहीं है। चलिए अब चलते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ओर, जहाँ के राज्य अरुणाचल प्रदेश का गारमेंट अपाटनी है।
ज्योमेट्रिक शेप्स और जिगजैग लाइन से सजा यह फैब्रिक अरुणाचल प्रदेश के स्वदेशी अपातनी लोगों की पहचान है। हर डिजाइन में उसमें इस्तेमाल होने वाले कलर्स वहां की विभिन्न ट्राइब्स को दर्शाते हैं। सिर्फ असम में बनने वाला मूंगा सिल्क दुनिया का सबसे नायाब और रेयरेस्ट सिल्क माना जाता है। असमीज भाषा में मूंगा का अर्थ है पीला अर्थात येलोइश कलर, और गोल्डन येलोइश कलर होने के कारण इसका नाम मूंगा पड़ गया है। झारखंड क्षेत्र का उत्पाद कुचाई सिल्क अपनी कोमलता और कंफर्ट के लिए मशहूर है। हाल ही में कुचाई सिल्क को फैशन वीक के दौरान रनवेज पर देखा गया है। ऑल थैंक्स टू मेनी इंडियन डिजाइनर्स जो कुचाई सिल्क को अपने गार्मेंट्स में काफी पसंद कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का कोसा सिल्क यहाँ के ट्राइबल जंगलों से उभरा है। इस सिल्क फैब्रिक के डिजाइन प्रकृति से प्रेरणा लेते हैं। यह सिल्क अपनी खूबसूरती और मजबूती के लिए जाने जाते हैं और ज्यादातर इसका इस्तेमाल साड़ीज में होता है। ओडिशा की सांबलपुरी साड़ीज भारत में महिला नेतृत्व का एक चिन्ह बन चुकी हैं। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी समेत काफी सारी महिला पॉलिटिशियंस इसके लिए जिम्मेवार हैं। इन साड़ीज पर लॉर्ड जगन्नाथ के काफी सारे रूपांकन पाए जाते हैं, जैसे शंख, चक्र और फूल। तेलंगाना नगर भोदन पोचमपली को सिल्क सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ बनाई जाने वाली सिल्क पोचमपली में काफी सारे ज्योमेट्रिक पैटर्न्स देखे जा सकते हैं, जिन्हें बनाने के लिए ब्राइट कलर्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे ऑरेंज, येलो, गोल्ड और पिंक। चलते हैं आंध्र प्रदेश के कलमकारी फैब्रिक की तरफ। कलम का मतलब है पेन और कारी मतलब वर्क। इस पेन वर्क में इमली से बनी इंक से कॉटन और सिल्क फैब्रिक पर हैंड पेंटिंग की जाती है। कलमकारी में ज्यादातर फूल, मोर, केरी और देवी देवताओं के निरूपण पाए जाते हैं। कर्नाटका का मैसूर शहर दुनिया में सबसे बड़ा सिल्क का उत्पादन है। यहाँ का वर्ल्ड फेमस मैसूर सिल्क प्योर सिल्क और गोल्ड जरी की मदद से बनाया जाता है। शादियों और इवेंट्स में फेमस मैसूर सिल्क अपने रिच रॉयल लुक और सॉफ्ट टेक्सचर के लिए लोकप्रिय है। वास्को डी गामा जब केरला आए थे मसालों के व्यापार के लिए, वे वहाँ के रहवासियों को बहुत सारा सोना अर्थात गोल्ड देकर गए थे। इन सोने का इस्तेमाल यहाँ के लोगों ने कसावो बनाकर किया, जिसमें सोना पिरोया जाता है। केरला की कोई भी ट्रेडिशनल सेरेमनी इस रिच कॉटन और गोल्डन फैब्रिक के बिना अधूरी है। चलिए चलें दुनिया की सबसे महंगी साड़ियों में से एक तमिलनाडु की कांजीवरम साड़ीज। प्योर मलबरी से बनी इन साड़ीज का कोई जवाब नहीं है। इनमें गोल्ड के साथ साथ गुजरात में से आई गई सिल्वर जरी भी पाई जाती है। इस साड़ी की खासियत है कि इसका बॉर्डर, बॉडी और पल्लू को सेपरेटली बनाकर एक साथ वीव किया जाता है। तो ये था हमारा दिलचस्प फैब्रिक टूर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। हम आशा करते हैं कि अपनी नेक्स्ट ट्रिप पर आप इन फैब्रिक्स को अपनी शॉपिंग लिस्ट में जरूर ऐड करेंगे। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका फेवरेट फैब्रिक कौन सा है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नेटसार की ओर से थैंक यू।